हेलो गाइस, नमस्कार। टेक रिव्यू फॉर यू चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मतलब Redmi Note 4 यूज़र्स के लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। Redmi Note 4 यूज़र्स के लिए बहुत जल्द एक स्टेबल अपडेट आने वाला है MIUI 10 3.2.0 के नाम से। तो दोस्तों, अब हमको यहाँ पर क्या क्या नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं और कब आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में, और दोस्तों ये चाइना में जो है रोलिंग आउट होना शुरू हो गया है, तो और दोस्तों आपको क्या क्या इसमें जो है नए चीज़ें देखने को मिलेंगी, और चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को राइट बटन को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और एक घंटा आएगा वो घंटे को दबाना ज़रूर। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हमारे जो भी हम न्यू वीडियो डालेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। तो दोस्तों, हम चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ से। दोस्तों, यहाँ पर Redmi Note 4 में आप MIUI कम्युनिटी टैब में आकर चेक कर सकते हैं रॉम में आकर कि यहाँ पर MIUI 3.2.0 के बहुत से लोगों ने डाला है कि अपडेट मिल चुका है कहकर बहुत से चाइना के यूज़र्स ने यहाँ पर डाला है। तो हमने एक मतलब हमको एक इमेज मिली हमारे सब्सक्राइबर ने दी है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं MIUI वर्जन 3.2.0 आपको यहाँ पर एन सीरीज़ का मतलब अपडेट है, मतलब आपको यहाँ पर अभी तक ओरियो नहीं देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कितने MB की फ़ाइल है, मतलब आपको 392 MB की आपको फ़ाइल जो है देखने को मिलती है। और अगर हम यहाँ देख सकते हैं तो हम आपको एक सेटिंग का ऑप्शन और एक फ़ाइल मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो उसमें मेरे को लगता है कि आपको फ़ाइल मैनेजर में कुछ ऑप्टिमाइजेशन और चेंज जो है देखने को मिलता है, और कुछ सेटिंग्स में भी देखने को जो मिलता है। और इसके साथ आपको एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी जो है देखने को जो है मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि लास्ट अपडेट के बाद अब ये अपडेट में हमने एक्सपेक्ट किया था कि 10.3.1.0 का आएगा, बट आपको यहाँ पर डायरेक्टली 10.3.2.0 का अपडेट यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर डार्क मोड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बहुत से न्यू फीचर्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो और अगर हम बात करें कि कब आपको ये इंडिया में देखने को मिलेगा, और दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, दोस्तों ये ऑफिशियली MI कम्युनिटी में रिलीज़ हुई है, मतलब ये फेक न्यूज़ नहीं है, हम फेक न्यूज़ नहीं दे रहे हैं आपको। बहुत से लोग कमेंट करते हैं भाई फेक बना रहा है, डिसलाइक कर जाते हैं, तो भाई देखो यार ये नहीं है, 100% जेन्युइन वीडियो बना रहे हैं। अगर फेक होती तो हम बनाते ही नहीं, क्योंकि देखो इतना हमारा मतलब नाम नहीं होता आज। और दोस्तों, कब आपको इंडिया में देखने को मिल सकती है, तो अभी चाइना में रोलिंग आउट होना शुरू हुआ है स्टेबल अपडेट, मतलब वहाँ भी एक 5-6 दिन लगेंगे मतलब ग्लोबली मतलब 100% स्टेबल उनको निकालने के लिए। तो आपको यहाँ पर इंडिया में 15 से 20 दिन लग जाएंगे, मतलब June 1st week या जून मिड में आपको देखने में मिल सकती है, या मई के एंड तक आपको देखने का जो है अपडेट मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर Redmi Note 4 यूज़र्स और बाकी यूज़र्स जो ये अपडेट वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी अगर दोस्त हैं जो Redmi Note 4 यूज़ करते हैं तो उनके साथ ये न्यूज़ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एक न्यू मतलब जान सकें वो भी कि एक मतलब अपडेट आने वाला है, तो वो इसके लिए रेडी रहें। और दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे MIUI के न्यूज़ बनाते रहूँगा और डेली के, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और अगर कोई कुछ भी आपको कमेंट्स क्वेरीज हैं कोई भी अपडेट के बारे में, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, हम आपको 24/7 hours कभी भी अगर हम ऑनलाइन रहेंगे आपका कमेंट चेक करके आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अच्छे एक्साइटिंग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। अप टू देन, पीस आउट।